हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है कि नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप ड्राइविंग करते समय पुलिस से पकड़े जाते हैं तो उस समय आपके पास कोई चारा नहीं होता है कि आप उससे बच पाएं। आपको सिंपल चालान काट दिया जाता है या आपके पास कागज़ होता है तो आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप उससे छूट सकते हैं। यदि आपको पुलिस पकड़ लेती है बाइक चलाते समय या ड्राइविंग करते समय, तो आप उस ऐप को दिखाइए और आपको पुलिस छोड़ देगी, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है और इसे दिखाते ही आपको पुलिस छोड़ देगी। तो कौन सा ऐप है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए कि आपको क्या क्या करना है इस ऐप में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद जो सर्च बार देख रहा है उस पर क्लिक करना होगा एम परिवहन ऐप। चलिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले बताया आपको, यदि आपको नहीं पता है तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एम परिवहन ऐप मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर एक पहले से वीडियो बना कर रखा हूँ कि आप कैसे RC से अपने जो गाड़ी है कितना साल चला हुआ है, कितना साल पुराना है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि नहीं देखा वीडियो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आई कार्ड्स जो बटन है उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो देख सकते हैं डिजिटल इंडिया और NIC द्वारा नेशनल, और जैसे ही आप देखेंगे ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप जाकर RC पर क्लिक करके गाड़ी का नंबर डालते हैं, आप उसका जो डिटेल है चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें पुलिस पकड़ लेती है तो हम क्या कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो 3 अंडरलाइन देख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए साइन इन, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन इन करना होगा, यानी जो भी मोबाइल नंबर है साइन इन करना होगा। यदि आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो आप यहाँ पर साइन अप पर सीधे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको साइन अप का पेज दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालेगा तो उस पर एक OTP आएगा। OTP आते ही आपको अपना नाम, पिन कोड, आपका स्टेट जो भी है उसको सिलेक्ट करके चूज करना होगा। फिलअप करते ही आपको इस तरह से ऑप्शन वापस मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखिए 3 अंडरलाइन पर वापस क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए गेट RC इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना गाड़ी का नंबर डालना है, जो भी आपका गाड़ी का नंबर हो डालते ही आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर देखिए जो भी आपका हो यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं एक पर क्लिक करता हूँ, मैंने चेक किया था पहले से। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपका सारा डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आपको देखिए ऐड टू माय डैशबोर्ड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ऐड कीजिएगा तो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके गाड़ी में एक चेचिस नंबर होता है। ठीक है, चेचिस नंबर को यहाँ पर 4 अंक का जो लास्ट अंक होता है वो डाल दीजिए, और आपके इंजन पे 4 अंक का नंबर होता है इसे भी डाल दीजिए। डालते ही वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पर RC है वो ऐड हो जाएगा और कन्फर्म हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से। उसके बाद आपको जाना है DL पे, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करना है। तो इस पर अंडरलाइन पर क्लिक कीजिए और गेट DL इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको DL का जो पैन कार्ड, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होता है, यहाँ पर इंटर कीजिए और सर्च कीजिए और उसको भी ऐड कर लेना है। इस तरह से आप जब भी कहीं फंसेंगे तो आप इस ऐप को ओपन करके दिखा सकते हैं आपका DL, आपका RC, इस तरह से आप बच सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कुछ भी इस वीडियो में गलती हुआ तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक देख कर इसे इम्प्रूव करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।